Hello, my name is Anushka Agarwal and I failed my May 23 exams. But currently, I gave in November 23 my both groups and I passed successfully. Now, I am a CA finalist. Anushka, जब आपने अपना पहला रिजल्ट देखा और आपको रियलाइज हुआ कि आप फेल हो गए, कितना टाइम लगा आपको ये बात डाइजेस्ट करने में? ऑनेस्टली वो मतलब मुझे अच्छे से याद है, आई वॉज इन माई OC बैच और हम तीन फ्रेंड्स ने हमने साथ में रिजल्ट देखा था एंड मैंने रिजल्ट ऐसे अपना लॉग इन किया WRO और मैंने फोन ऐसे कर दिया, मैंने बोला मैं नहीं देखूंगी, तुम देखो ऐसे करके. और फिर मैंने ऐसे देखा, आई वॉज होपिंग कि इट वुड बी अ पास एंड पास. देन आई टर्न माई फोन, इट वॉज फेल्ड इन वन ग्रुप एंड द सेकेंड ग्रुप इट शोड फेल्ड एन एग्जेम्पशन. मैं तो पहले समझ नहीं पाई ये FEX होता क्या, मैंने बोला क्या लिखा है, तो बोल रहे फेल हुई है तू और एग्जेम्पशन आया तेरा एक सब्जेक्ट में. तो उस टाइम में इतनी शॉक थी कि ये क्या हो गया, क्योंकि फॉर मी मैंने कभी आज तक स्कूल में बैड ग्रेड्स भी नहीं देखे एंड सीइंग अ फेलियर इन माय रिजल्ट वाज अ ट्रॉमेटिक सीन फॉर मी. फिर वहां से कॉल करना घर पे कि रिजल्ट आ गया है और अच्छा नहीं आया, आई फेल्ड बोथ द ग्रुप्स. तो मुझे अच्छे से याद है जब मैंने कॉल किया घर पे तो पापा सेड कि तुम्हारा पापा तो इतना भी नहीं पढ़ा, एटलीस्ट यू ट्राइड. तो तब तो मेरे आंसू रुके ही नहीं कि यार मतलब कितने सपोर्टिव है सब. ऐसा strength to restart. The date when result came, it was 5th of July and I was all numb. Then on 6th of July, I remember, Prateek sir थे वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे एक ही चीज बोली कि एक बात याद रखना कि तुम रिग्रेट में ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर दो, कि फिर बाद में तुम्हें ये रिग्रेट हो कि मैंने पहले रिग्रेट में बहुत टाइम वेस्ट कर दिया. द टाइम वेस्टेड इन रिग्रेट इज ऑलवेज मोर पेनफुल देन द टाइम एक्चुअली यू इन्वेस्टेड एंड समथिंग. तो फिर वो चीज मुझे ऐसी थी कि नहीं, और मुझे ये था कि इस बार अब जो आया उसका तो कुछ चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है मैम ने मुझे बोला था कैन यू चेंज व्हाट हैज बीन डन बट यू कैन ऑब्वियसली चेंज दी एंडिंग. तो ये चीज मुझे काफी ऐसी थी कि नहीं करना है अब अच्छा करना है. आपने फर्स्ट टाइम ज्यादा एफर्ट्स लगाए थे अपनी पढ़ाई में या फिर सेकंड टाइम आपने कोई तरीका चेंज किया था अपना पढ़ने का, आपके एफर्ट्स कौन से अटेम्प्ट में ज्यादा थे? ऑनेस्टली फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा होता है कि तुम डरे हुए भी बहुत ज्यादा होते हो और थोड़ा ऐसे भी तुम्हें रहता है कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें वो समझ नहीं आता है. एक्चुअली अगर देखा जाए तो बहुत सिस्टमैटिकली पढ़ाई मैंने शायद सेकेंड अटेम्प्ट में की, जिसमें मैंने बहुत एक प्रॉपर फॉर्मेट में की. मैंने अपने एरियाज को आइडेंटिफाई किया कि कौन से स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, कौन से एरियाज ऐसे हैं जिसमें मुझे बहुत ज्यादा वर्क अपॉन करना है. एंड आई गिव मल्टीपल टेस्ट दिस टाइम एंड आई वॉज इन कन्वर्जेशन विद माई मेंटर्स, माई फ्रेंड्स, माई फैमिली हु गेव मी द सपोर्ट बेसिकली. सो आई थिंक एफर्ट्स तो पिछली बार भी कम नहीं थे बट जो वे ऑफ स्टडिंग था वो काफी इस बार चेंज हुआ. ये जर्नी से क्या सीखा है तुमने अनुष्का? मतलब आई वुड से द कोट दैट फेलियर टीचेस यू मोर देन सक्सेस, इट्स ट्रू एंड आई कैन प्राउडली से दैट आई अचीव्ड इट बिकॉज आई कैन कोट माई लर्निंग्स फ्रॉम दिस जर्नी इन 5 M's. आई वुड से फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज अबाउट बींग हैविंग अ पॉजिटिव माइंड सेट. ऋषभ सर कहते हैं माइंड सेट तो सब सेट, यू शुड बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ कि हाँ मुझसे होगा, आई विल डू इट. फिर उसके बाद था मेंटोरिंग. ऋषभ सर ये भी कहते कि बात करने से बात बनती है और बात सही हो जाती है, एंड में तुम्हें अच्छा लगता है. थर्ड एम आई वुड लाइक टू कोट इज मेकिंग अ शेड्यूल एंड प्रायोरिटाइजिंग योर स्टडीज फर्स्ट. आई वुड से दैट फर्स्ट गिव ऑल द टाइम फॉर स्टडीज एंड देन द रेस्ट ऑफ द टाइम फॉर ऑल द एंजॉयमेंट दैट यू वॉन्ट टू डू. And further, marks oriented studies. 4th M is marks oriented. You should always assess in which areas you are good and in which areas you are weaker, so that when you are approaching the paper, you already know your strong parts and your weaker parts. And 5th and the last is mehnat. Mehnat ki bhi kahin nahi jaati hai. Ye I can say proudly. और ऐसा है कि हो सकता है कि अब वापस जो रिजल्ट है वो थोड़ा मार्क्स के टर्म्स में अनएक्सपेक्टेड हो, बट अगर तुम्हारी मेहनत शॉर्ट 100% है, अगर तुमने लास्ट एग्जाम तक में ये बोल दिया कि इससे ज्यादा तो मैं ऑनेस्टली नहीं कर सकती थी, इससे ज्यादा नहीं हो सकता था मुझसे, तब वो मेहनत कहीं जाने की नहीं है एंड यू विल फॉर श्योर गेट द रिजल्ट. जब भी आपको लो फील होता तो वो ऐसी क्या चीज है जिसने आपको वापस मोटिवेशन दिया? What was your go-to mantra? जब मुझे ऐसा कुछ फीलिंग होता था तो वो बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक फीलिंग ही होता था, क्योंकि ऐसा लगता था कि यार तुम सबसे एक तो पीछे हो गए थोड़ा, और ऊपर से what if चांस तो ये भी है ना कि इस बार भी क्लियर नहीं हो, और तुम यही रिस्क ले रहे हो कि तुम दोनों ग्रुप्स वापस साथ में दे रहे हो. बट आई फॉलोड वन थिंग वेरी डेडिकेटेडली, दैट जब मुझे ऐसा कुछ फील होता था ना, उस टाइम मैं रो तो पूरा ही देती थी, एकदम पूरा रो देती थी. देन आई यूज टू राइट इट इन माई डायरी.
दैट क्या हुआ, मुझे कितना बुरा फील हो रहा है. एंड एट दी एंड आई यूज टू एंड इट विद एन अफर्मेशन दैट आई विल डू इट, आई विल बी अचीविंग इट एंड वॉट वुड बी माई स्कोर. डजेंट मैटर कि आपका वो स्कोर आता है कि नहीं, बट इट गिव्स यू पॉजिटिव सेंस कि नहीं आप करोगे, यू विल बैक योर सेल्फ अप. और सबसे ज्यादा मैं वही बोलूंगी कि मैं अपने सपोर्ट सिस्टम को बहुत देखती थी कि कभी ऐसा कुछ हुआ. आई यूज टू टॉक टू माई पेरेंट्स, आई यूज टू गो टू माई मेंटर्स एंड माई फ्रेंड्स. माई फ्रेंड्स वर रियली माई बैक एंड माई मेंटर्स टू. बेटा अभी जब रिजल्ट आया है तो कुछ बच्चों का रिजल्ट वैसा नहीं है जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था. और किड्स जो क्लियर नहीं हो पाए हैं उनके लिए आपके पास क्या मैसेज है देने को? फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो कि एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है, इनफैक्ट बहुत मुश्किल है. और ऐसा है कि सबको ये लगता है कि यार क्यों नहीं हुआ, उसका तो हो गया, उसने इतना कम पढ़ा था तो भी मेरे ही साथ क्यों. बट ऐसा है कि मैं ये बोलूंगी कि बहुत कुछ सीखने मिलेगा. और अपनी गलतियों को वापस से देखना कि वॉट यू डिड रॉन्ग और एनालाइज करना खुद को, और सच में बहुत हेल्प होगी. और आई ट्रूली बिलीव कि इसमें कुछ एक मैसेज हिडन होता है जो हम शायद नहीं अभी गेस कर पाते हैं. आई वेरी वेल रिमेम्बर मैं जब भी सर के पास आती थी, पुलकित सर के पास, कि सर टैक्स में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, आई ऑलवेज यूज टू क्राई इन फ्रंट ऑफ हिम. और मुझे कभी कभी लगता था शिट यार मैं सर के सामने हर बार रो देती हूँ. बट आई न्यू दैट देयर वॉज नो जजिंग फ्रॉम दैट साइड. ही वॉज टेलिंग मी द स्टोरीज ऑफ अदर स्टूडेंट्स कि उसने इतने अटेम्प्ट में किया एंड शी इज वेरी वेल सेटल नाउ ये सब. तो मैंने सर को बोला था कि इतना करेज कहाँ से आता है सर. तो सर ने एक ही चीज बोली थी मुझे कि जब तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे तभी तुम करेज शो करोगे ना अपना. जब लाइफ में ऐसे मौके ही नहीं आएंगे तो तुम अपना करेज कैसे शो करोगे सबके सामने. सो दैट केप्ट मी. एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू से टू द पीपल आउट देयर हु डिडंट क्लियर दिस टाइम और डिडंट गेट द रिजल्ट्स एज एक्सपेक्टेड बाय देम, आई वुड लाइक टू सिंग इट इन टू लाइन्स. दैट इज रुक जाना नहीं तू कभी हार के ले, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के. Keep doing it and I know our collective efforts are gonna result in positive.